सात दिन सात रात अंधेरा, सेवन डेज डार्कनेस, ये कब होगा? पाप की भार इतने वृद्धि हो जाएंगे, ये धरती उसको इतना जल्दी से नहीं कर पाएंगे। इससे ही आएगा समय जो लोग गुरु के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, लोग खाने के लिए तरसेंगे, जब बार बार भूकंप होगा, जो महापुरुष ने लिखा है, संत अच्युतानंद ने लिखा है, वही बात तो सच्ची होगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचका। तो भविष्य मालिका में संत अच्युतानंद दास ने बहुत सारे विषय पर लिखे हैं, तो सात दिन सात रात अंधेरा, सेवन डेज डार्कनेस, ये कब होगा? इसके बारे में संत अच्युतानंद दास जी की पवित्र मालिका ग्रंथ में क्या प्रमाण मिलते हैं, इस विषय पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मालिका रिसर्चर, जगन्नाथ कथा संस्कृति के महान प्रचारक बाबा दिवाकर दास महाराज जी। स्वामी जी, आपको प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो स्वामी जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं, पवित्र मालिका में क्या लिखा गया है, खास करके सात दिन सात रात ये जो अंधेरा होगा, सेवन डेज डार्कनेस के बारे में क्या लिखा गया है? सभी भक्तों को मेरा बार बार प्रणाम है, जो देख रहे हैं मालिका के इस एपिसोड को। तो संत अच्युतानंद महापुरुष ने जो भविष्य के बारे में बताए हैं, वो एक ही है कि सच निकले। जो हम देखेंगे तो जल प्रलय भी हमने देखा है, आँखों के सामने ही दिखाए। और जो अंधेरे के बारे में आपने कहा, वो उड़िया में एक पद है, हरिदास महापुरुष ने जो अच्युतानंद की दूसरा रूप है, अवतार लेके आए हैं, अवतार लेके आए हैं, तो उसने लिखा है, सात दिन जे अंधार होइब, सूर्य न होइबे देखा, डाहाणी चिरकुणी घरे पशि जीवे, केही न करिबे रक्षा। ये उड़िया का पद है जो महापुरुष ने लिखा है, संत ने लिखा है, जे सात दिन अंधेरा होगा तो कब होगा, सभी लोग के मन में ये सोचना है। हाँ, ये बात तो है, हमारे दर्शक ये बार बार श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है जो अर्जुन से भगवान ने कहा, जानिसा सर्वभूतानं तस्या जागृति संयमी, जस्या जागृति भूतानि सानिसा पश्यते मन। सत्यभु वो श्लोक के अर्थ है, जो विषयाभोगी मनुष्य जो अज्ञान में रहते हैं उसको अंधेरा ही कहते हैं, और जब मनुष्य जागृत रहता है, ईश्वर चिंतन में रहता है, गुरु आश्रित में रहता है, उसको ही उजाला कहते हैं। तो इससे ही आएगा समय जो लोग गुरु के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, ईश्वर के बारे में सोचना ही बंद कर देंगे, लोग क्या भकेंगे, जो समाज में जो घृणित कार्य हो वो करेंगे, और लोग शराब पियेंगे, और पर लोग और दूसरे के जो घर में जाके चोरी करेंगे। तो ऐसे ही जो अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे तो वो मांस भक्षण करेंगे, तो ऐसे ही कलयुग का अंत होगा। तो महापुरुष लिखा है, जो सात दिन अंधेरा है, अज्ञान की अंधेरा है, तो अभी चल रहा है, इसको उड़े हम कहते हैं मेल्स, हाँ, मेल संगार, मेल से संगार, तो प्रभु आएंगे और मेल संगार करेंगे। जो लोग पूछते हैं कब होगा कब होगा, तो एक लोग ने मुझे तो कहा कि बाबा जी कब होगा ये सात दिन के अंधेरा। मैंने कहा आपको क्या जरूरत है अंधेरे को इतने जल्दी आने के, नहीं मैं इन्वर्टर थोड़ा रखेंगे तो इसलिए मैं आपको कॉल की, तो कब सात दिन के अंधेरा हो गया इन्वर्टर पर। तो लोग मालिका के बारे में, हाँ, जो मजाक उड़ाते हैं, परिहास कर रहे हैं, एक दिन आएगा उनका भी मजाक बन जाएगा, मजाक बन जाए, जो लोग ऐसे ही सोचते हैं। तो ये ज्ञान के बारे में आप ये जानकारी भगवान ने दी है, अर्जुन ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, लोग ऐसे कलयुग में अंधेरे में रहेंगे और अज्ञान के अंधेरे में सात दिन, आपको बताएंगे एक वीक सप्ताह एक सात दिन के हैं, तो सेवन डेज लोग अज्ञान में रहेंगे, उसको ही अंधेरा कहते हैं। सात दिन सात रात अंधार जो उड़िया का पद है वही ही होगा, तो लोग अज्ञान के अंधेरे में सात दिन ही रहेंगे, लोग ईश्वर को चिंतन करने भूल जाएंगे, और लोग पर धन हरण करेंगे, और जुआ
और विषयागमन करेंगे, तो ऐसे ही कलयुग का अंत होगा। अम्लेच्छ के संहार करने के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सुजाम्यं परित्राणाय साधुनः विनाशाय तदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन में आऊंगी, जब धर्म का नाश अधर्म का वृद्धि होगी तो मैं कलयुग में आऊंगी और म्लेच्छ का संहार करूंगी। तो 7 दिन ही म्लेच्छ ऐसे ही फैलेंगे तो लोग को क्या करेंगे, वो मार देंगे, घर घर में जाके चोरी करेंगे और मांस भक्षण करेंगे, शराब पिएंगे, और ऐसे ही जब वृद्धि होगा, पाप के भार वृद्धि होगा, सबसे पाप के भार इतने वृद्धि हो जाएंगे, ये धरती उसको इतना जल्दी सह नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही तो कलयुग में तो बार बार भूकंप होगा, जो महापुरुष ने लिखा है, संत अच्युतानंद ने लिखा है, वही बात तो सच्ची होगा। तो विदेश में बार बार भूकंप होगा, और क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगी मालिका के बारे में, जो 7 दिन के अंधेरे के बाद और क्या होगा। महापुरुष उड़िया का पद है संत अच्युतानंद की, पहला उड़िया बोल दीजिए, इसके बाद हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो शिवकल्प निर्घंट मालिका है, संत अच्युतानंद की मालिका है, शिवकल्प मालिका जी। वो क्या लिखा है, 10 दिन थरे आहार करिबे बरफ शिउली आनी मायावी मानक प्राण बड़ टाण नुआ बोलुथिबे पुणी। इसे कलयुग में होगा, जो लोग सारे दुनिया में बर्फ आच्छादित हो जाएंगे, अच्छा, और लोग खाने के लिए तरसेंगे, जो जीवित रह जाएंगे, बच जाएंगे, जो जब चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगा, तो महापुरुष ने लिखा है, तो लोग क्या खाएंगे, तो बर्फ के ऊपर जम जाएगा सीलन, वो सीलन को खा के लोग बचेंगे, ये लिखा है महापुरुष ने। आगे ऐसे ही होगा, संत ने लिखा है चारों ओर बर्फ पर ही बर्फ, ऊपर जैसे मैंने तो आपको लेयर बैठ जाएगा लेयर, हाँ, सीलन, मैंने तो खा के फिर उजेंगे। मैंने तो आपको तो सत्याभु तत्व के बारे में कहा, जो 7 दिन के अंधेरे के बारे में, 7 दिन के ज्ञान के अंधेरे में, ज्ञान के, हाँ, ज्ञान के, अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे, अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे, अज्ञान के अंधेरे में रहेंगे, लेकिन वही सच बात है, 7 दिन अंधेरा ही अंधेरा होगा, ये सचमुच ही होगा, सचमुच होगा, हाँ, महापुरुष ने वो लिखा, तो वो क्षण निकट है जी। और जो महापुरुष ने लिखा है, और ज्यादा देरी ही नहीं है, खूब निकट है, 7 दिन के अंधेरे ही होगा ही होगा, तो वो बात ही लिखा है महापुरुष ने। जो लोग जो कहते हैं मालिका के बाद सच नहीं है, वो देखेंगे 7 दिन ही अंधेरे ही अंधेरे होगा, जब अंधेरा चारों ओर होगा, तो उसके अंदर घर घर में अपने तो देखेंगे, तो कुछ भी लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा, वो 7 दिन की अंधेरा, वही बात लिखा है। एक तरफ होगा जल प्रलय, फिर उसी दौरान होगा चला होगा युद्ध, फिर उसी दौरान होगा 7 दिन अंधेरा, और विशेषज्ञों का ये भी मानना है उसी 7 दिन के अंधेरे के अंदर घूम रहा होगा 16 सुदर्शन चक्र, उसके बारे में क्या क्या कहना है आपका। महापुरुष संत अच्युतानंद भी लिखा है, चारिदिग जाक अंधार होइब उत्तर बहिब हिम 4 दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्निकुंड न मानिब। इसका मतलब है चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा।